इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रेस मीडिया के मुद्दे बता रहे थे जर्नलिस्ट साहब मैं अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साडे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद करता जो तुहाडे रूबरू आए ने जिन्हों का बड़ा वड्डा इतिहास है। 10 बार वो MLA रहे ने, 2 बार मैंबर पार्लीमेंट छोड़ के गए और हुण राज्यसभा 2023 है और बड़ी वड्डी इन्हां दी मतलब संघर्ष है जिंदगी का क्योंकि छोटी उम्र के इन्हां दे घर नूं अग्गी लगा दित्ती गई सी हैदराबाद एक टेक्नोलॉजी साइड समूह वालों उन्हां च उन्हां दी बहुत दुख की घटना इन्हां दी माता जी और इन्हां दी भैन जिहड़े सी उह नहीं रहे और दलित परिवार दे विचों इन्हां लंबा संघर्ष कीता गया जो साडे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने मैं उन्हां दा जी हां कहिंदा है। मैं उन्हां नूं बेनती करांगा सर आप आज की प्रेस के लिए आप देखो ये जो है गठबंधन सरकार आएगी और हम ये जो आपके सामने रखे हैं मुद्दे वो हम अनुष्ठान में लाएंगे। खड़गे जी एक सवाल था, जैसे आपने पंजाब के जो मुद्दे हैं वो बताए हैं, किसानों का मुद्दा है, चाहे वो नशे का मुद्दा है, चाहे किसानों के बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक मीडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब मीडिया ये खबर चलाता है अपने टीवी पे, अपने यूट्यूब पे चलाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है, FIR दर्ज की जाती है, रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की जाती है, उस पर आप क्या क्या कहना है? देखो हम तो मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ राइटिंग होना चाहिए, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार वो होना चाहिए, उसी लिए तो हम बोल रहे हैं ना डेमोक्रेसी बचाओ, संविधान बचाओ, क्योंकि जो आज कोई भी चीज़ जो ठीक है, जो समझदारी की बात करता है या थोड़ा सा उस सरकार के खिलाफ जाता है तो उसको फौरन अंदर जेल में डालते हो या उसका एडवर्टाइजमेंट बंद करते हो या नहीं तो उसको किसी ना किसी बहाने निकाल देते हो, ये तो चल रहा है, देख रहे हैं हम तो, ये उसी लिए तो हमें बोल रहे हैं ना जो संविधान है संविधान को दुरुपयोग कौन कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी में इस तरीके से अगर चला और मीडिया को चौखंबा बोलते हैं तो इसीलिए हम तो ऐसे चीज़ों को कभी अगर कोई गैरकानूनी चलाता है, अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है तो बात और है, उसके लिए कानून है, कानून के तहत करेंगे। एक एक मोदी और शाह ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद खड़गे साहब की पोजीशन चली जाएगी और इसके साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि दिल्ली में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कुछ ट्रांसफर्स अभी भी हो रहे हैं, वही मैं बताना चाहता था। देखिए मेरे पास तो लिस्ट है, यानी मोदी जी बोलते कैसे हैं और चलते कैसे हैं, और उन्होंने मैं पिछले का नहीं बोलने जाता हूँ, रिपीट होके आपको भी बोर हो जाएंगे, 15 लाख का भी बोले, 2 करोड़ का भी बोले, डबल इनकम बोले, फलाना बोले, ये सब उनके जो सत्यवाणी है वो तो है निकली, लेकिन वो सब झूठ बन गया। अभी भी जब आपके बात पर मैं सहमत हूँ, देखिए IAS ऑफिसर 27 तारीख आज कल तो 27/5/2024 कोड ऑफ कंडक्ट है, 26 ऑफिसर्स को उन्होंने ये अपना ट्रांसफर किया और वो जहाँ जहाँ पोस्ट है उन पोस्टों के लिए उन्होंने मेंशन किया कि ये इक्विवेलेंट पोस्ट कहाँ है UP में, किधर उधर इधर जहाँ जहाँ उनको डिपार्टमेंट्स ऑफ द कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एम्पैनलमेंट ऑफ द IAS ऑफिसर्स फॉरवर्ड। तो कोई फेवर नहीं करना, ये इलेक्शन के वक्त कोड ऑफ कंडक्ट रहता तो इसीलिए तो कर्नाटक के बहुत से इंजीनियर्स लोगों का पोस्टिंग
और प्रमोशन रुका है, और ये हमारी सरकार यहाँ की कानून से चलने वाली, संविधान के तहत चलने वाली और सीईसी यानी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पर चलने वाली ये काम की है। नहीं 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 सुनो, और एक उन्होंने और एक ये भी ऑर्डर निकाला, वो भी अपॉइंटमेंट्स कमेटी का, कैबिनेट का, वो 5 लोगों का है, ये भी कल ऑर्डर निकला गया। और तीसरा जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट डिफेंस रिसर्च, इसका भी एक्सटेंशन हुआ। ये सारी चीजें नहीं नहीं वो ये तो होने दो, ये चीजें तो उन्होंने कर रहे हैं। अब मोदी जी को नहीं, शाह साहब को फिक्र है जहाँ मेरी तो अरे ठहरो, शाह साहब आज देखा, मैं भी पेपर में पढ़ा कि वो बोल रहे हैं कि खरगे साहब की नौकरी चले जाएंगी 4 तारीख के बाद, यही ना। मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूं वो नौकरी करने के लिए नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए बचपन से पॉलिटिक्स में हूं। मोदी की जितनी एज है उतना एज मेरा बचपन से सर्विस करने में, पॉलिटिक्स में, और MLA MP बन के मैं हूँ आज तक। तो वो क्या बोलते, कैसा भी उनका जॉब खाली होने वाला है, मेरा जॉब चले जा रहा ना, ठीक बोल रहे, वो मेरे जा रहे वाला है और उनका खाली होने वाला है, तो वो सब जॉब्स हमको मिलेंगे फिर उसमें देखेंगे। देखो भाई, उनकी मदर पार्टी रहने दो, फादर पार्टी रहने दो, हमसे कोई वास्ता नहीं, दोनों एक ही है हमारे लिए। जब तक उनकी विचारधारा एक है और उस विचारधारा से हम सहमत नहीं है, और इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ, उनकी विचार एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे, मोदी बोल के उसके उनके विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वही विचारधारा RSS की है, वो दोनों एक होकर ही हमारे संविधान को खत्म करने का प्लान किए हैं। तो मैं उसमें नहीं जाता, उसको क्या देख रहे हैं, इसको दोनों पहले मिलके ही काम किए और आज भी हमको देश को खत्म करने का काम वही कर रहे हैं। अरे हम तो ये बोल रहे ना सब, बेरोजगारी का हमने पहले ही बताया कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकारी नौकरियां इतनी खाली है देश में 1 करोड़ के नजदीक, और 30 लाख तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में है। ये बैकलॉग वैकेंसीज भी हम फिलअप करने के लिए हम गठबंधन की सरकार आई तो बराबर ये करेंगे एक। और दूसरा आपने कहा, मैं पहले ही जिक्र किया उसका, नशेबंदी का, इसका देखिए, ये है संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अगर खराब होते हैं, वैसा ही सरकार को चलाने वाले लोग अगर खराब हो जाते हैं तो ऐसी चीजें बढ़ते जाती हैं। संविधान अगर कितना भी खराब हो, अगर अच्छे लोग उसको है मिले तो अच्छा होता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन हमको जरूर आप बोले जैसा युवाओं को इससे बचाना है, और इसके लिए हमको डट के मुकाबला करना है, हम जरूर करेंगे इसके बारे में। जहाँ की जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे बड़ी अखबार अजीत न्यूज पेपर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जो चीफ संपादक साहब है हमारे। नहीं देखिए, मैं तो सारे जगह फिर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ,
तो सरकार जहाँ जहाँ मीडिया को दबाती है और कई बार मीडिया भी जो मीडिया के जो घराने हैं बड़े बड़े अमीर कॉरपोरेट उनके खिलौने भी हैं, छोटे मोटे पेपर तो अलग, सब टीवी अब एक एक टीवी अगर आप देखेंगे 17 टीवी चैनल के मालिक हैं एक ही, और सब मिला के देश में 4-5 लोग 100 टीवी के 100 चैनल से ऊपर खरीदे हैं, तो वो अपने व्यू देने वाले अपने सबको दबाने वाले इंडिपेंडेंट जो है टीवी, और ये उसको तो ये लोग चाहते नहीं उनके व्यूज को, तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जब आप जब तक अच्छी बात को अच्छी नहीं कहेंगे और बुरी बात को बुरी नहीं कहेंगे तब तक ये ऐसा लोग दबाते रहेंगे। ये देखिए अगर ऐसी मेरे तरफ से अगर मैं बोलते गया तो अभी शुरू किए शाह कि हम जीतने के बाद ये लोग बोलेंगे मशीन में गड़बड़ी हो गई इसलिए जीत, तो हम फेस तो कर रहे हैं लेकिन किस बेसिस पे वो कहते हैं कि हम 400 पार। अरे तुम्हारा अस्तित्व तमिलनाडु में नहीं, आपका अस्तित्व केरला में नहीं है, आपका अस्तित्व तेलंगाना में नहीं है, आपका अस्तित्व कर्नाटक में 50-50 है, आपका आप कमजोर महाराष्ट्र में हो, हर जगह कमजोर हो, और वेस्ट बंगाल में भी आप लड़ाई में हो, उड़ीसा में भी आप लड़ाई में हो, कहां से आ रहे भी आपके सीट 400 पर। जो हमारा एक सीट था कर्नाटक में उस जगह हम 10-15 ला रहे हैं, तेलंगाना में हमारे 2 थे हम वहां पर 8-10 से ज्यादा ला रहे हैं, और हर जगह आप ऐसा हिसाब निकालेंगे तो हम 0 से ऊपर आ रहे हैं, तो वो आप ही के आएंगे ना, हमको किसके आएंगे, क्या ऊपर से आएंगे, तो जब आपके घट रहे हैं हमारे जब बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 400 पार तो छोड़िए वो बकवास है, लेकिन वो सरकार बनाने के काबिल भी नहीं, 200 के ऊपर वो जाएंगे नहीं। गर्ग साहब लास्ट क्वेश्चन प्लीज गर्ग साहब। अरे ये बोलो ना अभी क्या सुशांत गर्ग साहब बोलो यार गर्ग साहब ने बोल रहे थे गर्ग जी बोलो प्लीज भाई गर्ग बोलो गर्ग जी बोलो बोलो गर्जी सबसे बताइए सबसे अच्छी देर गर्जी गर्जी लास्ट देखिए इसीलिए यहाँ कहीं पर स्टेट लेवल पे अलग ढंग से, लेकिन यहाँ पर हम हमारी लड़ाई जारी है ऐसे उसूलों के खिलाफ, और ऐसे लोग जो रिप्लाई नहीं यानी रेस्पॉन्ड नहीं करते वो तो हम लड़ी रह रहे, हम क्या पीछे हटे हैं थोड़ी, हम लड़ते रहेंगे, इसमें हम कामयाब होंगे, लोगों को भी मालूम होगा। हाँ।